छोटी थी ना, वो छोटी थी 3 साल की। मैंने लैब में लेके तो आई एम हियर जस्ट बढ़ा रखे, अपने आप को छोटा कभी नहीं समझिए, ठीक। अपने आप को ये कॉन्फिडेंस रखना कि अल्लाह ने, भगवान ने जो मैंने आपको बोला कि जिंदगी में कभी कभी 2 कदम पीछे भी चलना होता है। तीसरा, कामयाब होने के लिए कभी कभी किसी जिंदगी में किसी बहुत ज्यादा खास इंसान की कुर्बानी देनी पड़ती है। जब चेस एंड पे पहुंचता है तो उसकी रानी जिसको आप बोलते हुई कभी बहुत बारी गेम जीतने के लिए ये बादशाह जो है अपनी रानी को भी कुर्बान कर देता है, तब जीत जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कल को आप कोई जो है हम इस तरह, लेकिन हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी होते हैं, तो वो क्वालिटी आपको डेवलप करना है। उसको अब टीचर आपके असिस्टेंट साहबन उनका जिम्मेदार है, उसको कैसे टैलेंट को, हिडन टैलेंट को छुपा के आप लोग उनसे लाना है। बाकी मैं जब आप यहाँ से एक ख्वाब होना बहुत जरूरी है। एक आप लोगों ने सुना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे मतलब प्यारे प्रेसिडेंट साहब थे इंडिया के, याद है? आप जानते हैं APJ अब्दुल कलाम, आपको कॉल मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही इन्हें एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही मतलब बच्चों से प्यार करते हैं। तो वो बोलते हैं बच्चों को, आप सब लोगों को यू मस्ट बी ड्रीम, आपको क्या होना चाहिए एक जिंदगी में, एक सक्सेसफुल बनना हो, आदमी बनना हो तो एक आपको ख्वाब होना चाहिए। वो सोचे जिसमें कि अरे सोए नहीं, आपको बस सुबह शाम वही मैंने कुछ करना है, आपके इसमें दिल में जुनून हो जाएगा। आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आप लोग अच्छे आदमी हो। खुद ही की ये है मंजिल औली, मुसफिर ये तेरा नशीमन नहीं, बले जा ये तरफ गिरा तौर कर, तिल सुमन और जमा ओ मता तौर कर, जहां और भी है अभी की नमू, जहां और भी है अभी की नमू, चीफ गेस्ट मिस्टर सोनम नोट्स, प्रिंसिपल हिल्टन स्कूल हंदवाड़ा, अवर डीन एकेडमिक्स, एस्टीम्ड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। There are so many things which comes in my mind. Now, confused that where from I should start. One, that we are building some teachers, Miss Fatima, who has governed this institution for a long time. I remember the day when she joined my institution. It was almost a mid-session perhaps. We were not having vacancies, but Amir Saab insisted me that 2 teachers are coming from Sopore. One is MA English and another is MSc Chemistry. So I told him straight away that we don't have vacancy. So you should, I think, tell them that maybe in coming session you just come and we will try to accommodate or absorb you in this institution. After some time, they both, sisters, proved their worthiness
and they worked hard. If I will conclude in one sentence, Fatima, to whom I think we are serving the favor ceremony today, she worked in my institution as Virat Kohli in my team. She was all-rounder. Whenever, are you listening? There are a lot of things to discuss regarding Fatima, but few things I'll discuss so that my teachers will get inspired by Fatima. Whenever I gave tasks to Fatima, she never refused. She never told that I am not in a position. I have 6 classes to attend, so it's not my cup of tea. She always came and be with me and remained with me as a friend trainer always. Give her a big hand. Love and regard for her work. Besides, we have Sangeeta, but unfortunately she is not present here. We were supposed to bid her today as she perhaps joined some department and she got government employment somewhere. So I think on behalf of her, some other teachers should come forward. We should Tashina should come forward and we should serve the prizes and certificates. I will once again call Sonamji and follow some Latifa again. आज एक्चुअली हिल ग्रैंड स्कूल को जो कि यहाँ का हनवर का एक अच्छा स्कूल है यहाँ का, तो यहाँ पे इनका एक पासिंग आउट डे है। जो 10th क्लास के जो लड़के हैं सीनियर स्टूडेंट उनको अलविदा कहने का एक पासिंग आउट, उनको एक फेयरवेल पार्टी है। तो ये ओकेजन पे उन्होंने मुझे बुलाया है एंड आई एम वेरी हैप्पी फील और ऑनर्ड। मुझे बहुत ऑनर्ड लगा कि उन्होंने मुझे ऐसे काबिल समझा, मुझे बुलाया। और मैं स्कूल के माहौल को देख के, बच्चों के जज्बात को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि इट्स वेरी वेरी गुड स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल है। जिस हिसाब से स्टूडेंट ने इवन फर्स्ट क्लास के या 4-5 साल के छोटी बेटियाँ यहाँ पे, इसके पास इतना कॉन्फिडेंस है, जुनून है कि स्टेज पे आके 500-600 लड़कों के सामने वो एक खुद एक्सटेम्पोर स्पीच दे सकता है। तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए स्कूल लाइक, इससे ज़्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5-6 साल के छोटे से बच्चे आके एक्सटेम्पोर बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ, झिझक फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे
पूरा एक पंछी उठते हैं फ्री, मतलब बर्ड्स, तो उसी तरह अपने हिसाब से वो मतलब स्पीच देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नॉट अदर देन दिस, यहाँ पे बहुत एग्जाम्पलरी स्कूल का माहौल बहुत नीट एंड क्लीन है, बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ऑनर लगा। और मुझे ये हंदवाड़ा में ऐसा स्कूल है, तो विद गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान की कृपा से मैं आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू विजिट मैनी मैनी स्कूल्स। मैं गवर्नमेंट स्कूल जाता हूँ, प्राइवेट स्कूल जाता हूँ, बड़ा बड़े से छोटे छोटे स्कूल देखा, तो मुझे कोई अंतर नहीं लगा। जिस हिसाब से, जिस जोश के साथ बच्चों में, और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल एक एट पार है जो नॉर्मल एक स्कूल में होना चाहिए, उसी तरह एक मॉडर्न स्कूल है। बच्चों का जुनून और इनका कॉन्फिडेंस को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे अच्छा मुझे लगता है और क्या क्या कहेंगे, ब्लेसिंग्स हमारा आएगा कि बच्चे बड़े होके एक अच्छी शख्सियत बनने का मुझे पूरा उम्मीद है। जिस हिसाब से ये स्कूल अभी तक मैंने विटनेस किया है, अभी के हिसाब से ऐसा लग रहा है, मेरा तो ब्लेसिंग है इन फ्यूचर में इससे भी अच्छा हो। सोनम लोटस साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हुए हमारी इस फेयरवेल पार्टी में जो हमने ऑर्गेनाइज की थी बैच 2022 एंड 2023 के लिए, एंड इट वॉज रियली एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव हिम हेयर इन द इवेंट, एंड वी वुड डेफिनेटली लव टू हैव हिम हेयर इन all the other events as well, and also would try to provide a kind of information and also a kind of enlightenment among our students as well, through all such dignitaries and through all such personalities who really have done something good in their life, because this is a way through which students at least can get something out of it and can get a kind of inspiration to do something great in their life. That's what I think.